जो अडानी और अंबानी है वो भी देश के लिए जरूरी है, बिल्कुल हाँ ये बात से मैं सहमत हूँ। जी कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए उद्योगपतियों का सहयोग और साथ बिल्कुल जरूरी है, जी लेकिन उद्योग चंद चंद उद्योगपतियों की भलाई के लिए आप 62 करोड़ किसानों की बातों को अनसुना कर देंगे, उनके हितों को अनसुना कर देंगे, आप सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों की बातों को मानेंगे, तो ये भारतीय लोकतंत्र की के खिलाफ है। ये जो कह रही है, मैं इनका एक और दूसरा जवाब भी दे देता हूं जी कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि अभी ये जो इतने दिनों से किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, और ये अपने जिद पे अड़े हैं, ये कैंसिल किया जाए, कैंसिल किया जाए, कैंसिल किया जाए। मैं इनकी बातों को बताना चाहता हूं कि देखिए, किसान जो है ये कानून भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोपा गया है। जी किसानों ने ये नहीं कहा है कि आप हमारे एमएसपी को छीन लीजिए, किसानों ने यह नहीं कहा है कि आप अडानी और अंबानी जैसे लोगों को भंडारण की क्षमता दीजिए, बिल्कुल किसानों ने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि आलू और प्याज जैसे जो आवश्यक चीजें हैं उनको कानून से मुक्त किया जाए, उसको एमएसपी से मुक्त किया जाए। तो यह कानून जो है, यह किसानों की भलाई के लिए नहीं बनाया है, यह जी। किसान पूरी तरह से पूंजीपतियों लेकिन के लिए रत्नाकर बनाया जी गया एक है। बात भी नेहाजी ने कही है, उन्होंने कहा कि पंजाब के सिर्फ किसान नहीं है, पंजाब के सिर्फ किसान नहीं है। ये दिखाने की कोशिश बार बार बीजेपी के लोग करते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, सिर्फ पंजाब के या हरियाणा के किसान ही कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश मैं नहीं नेहा है, जी को ये बताना 90% चाहूंगा, यही है। आप देखिए, आप मुझे मैं बता नेहा सकते जी मैं हैं मांगूंगा, कितने किसान नेहा जी रुक करूंगा आपका, रत्नाकर जी का कमेंट। जी आपकी मैं कांग्रेस जी ने जी कितना नहीं देखिए बोला। नेहा ने मैं इनको मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनको दिखता नहीं है, इनको सिर्फ यही दिखता है कि पंजाब के लोग हैं और पंजाब आपके हरियाणा के आपकी सरकार है, वहां के लोग क्या आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और इस पे मैं और दोबारा ये चीज बताना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा आज सर्वाधिक कृषि कृषि व्यापार में है। वहां के लोग आज 62 करोड़ किसान जो है उसमें सबसे ज्यादा कृषि का जो जीडीपी में जो क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी में योगदान। जो सहभागिता मिलती है वह जी कृषि 14% जो कृषि की सहभागिता मिलती है जी उसमें पंजाब और हरियाणा की सबसे ज्यादा होती है। जी तो पंजाब और हरियाणा के लोग मात्रा में वहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी बाकी किसान किसान नहीं है। रत्नेश जी, आपके कहने का मतलब सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान किसान, बाकी किसान किसान ही नहीं है आपकी नजर में, उनकी बाकी कुछ नहीं है। हर जगह से अगर किसान आए अगर हुए आपको हैं, इतना इनको सिर्फ लगता पंजाब है, और हरियाणा के ही किसान दिख रहे हैं। आप पंजाब और आप हरियाणा के लोग आप अगर एपीएससी की देखिए बात करते हैं। नहीं, आप जी बताइए, आपके यहाँ हरियाणा नेहा जी, आपके नेहा किसान जी अगर विरोध सिर्फ पंजाब हरियाणा में हो रहा है तो क्यों आखिरकार मध्य प्रदेश में बार बार कृषि मंत्री रैलियां कर रहे हैं? क्यों आखिरकार वहां पर जाना पड़ रहा है उनको? क्यों गुजरात में आप जाकर लगातार वहां पंचायतें कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है मैम। लागू किया गया, ये तो हिपोक्रेसी की हद हो गई कि एपीएमसी केरला में लागू नहीं है, लेकिन डिमांड की जाती है पंजाब में एपीएमसी होना चाहिए, हरियाणा में एपीएमसी। अरे पहले आप अपने राज्यों को तो संभाल लीजिए, एपीएमसी केरला में तो शुरू करवा दीजिए। और कहीं भी ये बंदूक के सरनोक पे रख के नहीं कहा गया कि आप मंडियों में बेचिए, कॉर्पोरेट को ही बेचिए। आप जहाँ मर्जी किसान अपना माल बेच सकता है। जिन राज्यों का आप जिक्र कर रही है मैम, जिन राज्यों का आप जिक्र कर रही हैं, वहां की फसलों का भी तो आप देखिए, वहां पर जो फसलें वहां पर बेची जाती हैं, वो कौन सी फसलें बेची जा रही हैं, ये भी तो मैम आप देखिए। लेकिन रत्नाकर जी ये बात कही गई है, ये बात लगातार कही जा रही है। एक बात नेहा जी, अपनी बात कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूंगा। बार बार ये बात कही जाती है कि सिर्फ सिर्फ पंजाब के किसान, सिर्फ हरियाणा के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और सिर्फ वही किसान नहीं है, पूरा देश के किसान है। एपीएमसी की बात कर रही है नेहा जी, शायद इनको एपीएमसी की व्यवस्था जहाँ पे है वहाँ पे किसानों की प्रति वर्ष प्रति किसान की आय जो है बहुत अच्छी है, और जहाँ पे इन लोगों ने बिहार जैसे प्रांत जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था इन्होंने खत्म कर दी, वहाँ पे आज किसानों की आय सिर्फ 42,000 प्रति वर्ष है। और अगर हरियाणा और पंजाब की आय देखेंगे किसानों की प्रति वर्ष, तो वहां पे पंजाब में 2 लाख रुपए है और हरियाणा में 1,80,000 है। तो एपीएमसी की व्यवस्था कहीं ना कहीं किसानों को हित के लिए है। अगर किसान अपने अनाज अपने खेतों में नहीं बेच पाते हैं तो आरटीओ के माध्यम से वो मंडियों में जाते हैं, एपीएमसी व्यवस्था जहाँ पे है मंडियों में जाके वहाँ पे उनको किसान वो बेचते हैं।
लेकिन इन्होंने मंडियों की व्यवस्था, एपीएमसी की व्यवस्था बिहार जैसे प्रांत में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आप देख लीजिए वहाँ के किसान कितने दयनीय स्थिति में हैं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं किसान को। हमने साफ कहा है कि मंडियाँ रहेंगी, मंडियों का प्रावधान रहेगा। आप पहले अपने राज्यों में केरला में एपीएमसी क्यों नहीं लागू करते हैं? अगर नेहा जी विपक्ष में बैठ के भी गुमराह कर रहे हैं और आप सरकार में बैठने के बावजूद लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, आप किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं कि नए कृषि कानून का आखिरकार कैसे उनके फायदे में है। क्यों आखिरकार अगर फायदे में है तो वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, अगर इनके हिसाब से कांग्रेस के हिसाब से 62 करोड़ किसान है तो उसमें से आप देखिए रोड में कितने हैं, 6,000-10,000 इतना ही है ना। तो बात मैम आप चाहती है पूरा देश सड़क पर बैठ जाए? नेहा जी आप चाहती है पूरा देश सड़क पर बैठ जाए? नेहा जी आप ये चाहती है पूरा देश सड़कों पर बैठ जाए, इसी तरीके से अपनी मांग करे? ये गलत बात है ना, वही तो सड़कों पे बैठे मांग करे लेकिन रोड को ब्लॉक करके ना करे, इकोनॉमी को नुकसान करके ना करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी पुकारा है। मैडम नेहा जी कल सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है सरकार को, कहा है कि आप लोगों से संबंध नहीं रहा है आंदोलन, और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे कानूनों से कौन सा ऐसा संगठन है या कौन से ऐसे नेता हैं जो खुश हैं, ऐसे कौन से किसान हैं, हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। और आपके जो वकील थे वो जवाब नहीं दे पाए थे वहां पर। कमेटी बनाओ तो किसान सुनते नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रही है कि कमेटी बनाओ, अभी भी नहीं सुनेंगे, तो इसका मतलब वो किसान मानते ही नहीं है हमारे कानून को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कमेटी बनाने के लिए। पहली बात तो ये आदेश अभी आया नहीं है। नेहा जी आदेश अभी आया नहीं है, आदेश आया नहीं है अभी। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे लेकिन उससे पहले नेहा जी एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। कोर्ट ने आपसे कहा कि आप इस पर रोक लगा दीजिए, कानून पर रोक लगाएंगे आप? सिर्फ रोक नहीं कहा, कमेटी के लिए भी कहा कमेटी बनाई जाए जिससे कि बात की जाए, किसानों को भी मंजूर होना चाहिए, उसमें आए और बात करें। लेकिन कमेटी की बात जब भाजपा करती रही, जब केंद्र सरकार करती रही, तो हमेशा किसानों ने नकारा ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये, तो मुझे लगता है किसानों को माननी चाहिए। हम तो ये कहते हैं चलो सुप्रीम कोर्ट की बात ही माने तो सही, चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो सही। आप कमेटी पर अड़े रहिए, वो ये अड़े रहेंगे कि आप कानून को रद्द कीजिए, ठीक है इसी को लेकर करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक बात ये कि अब कहीं ना कहीं सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि आप कमेटी से ही समाधान होगा, हमारे बस के नहीं, हम किसान को नहीं समझा सकते। देखिए नेहा जी कह रही थी अभी कि हम किसानों को बरगला रहे हैं, हम किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन अगर नौवें दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, तो सरकार ने यह क्यों नहीं समझा लिया कि जो मांग कर रहे हैं किसान वो गलत है? कहीं ना कहीं हम जो कह रहे हैं या किसान जो मांग कर रहे हैं वो सही है, इसीलिए सरकार नौवें दौर की वार्ता नहीं समझा नहीं पाई है सरकार। जगाए कैसे आप ही बता दीजिए ना, आप ही तरीका बता दीजिए। वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन जान के उन्होंने तोते की तरह रट लिया है कि रद्द कीजिए। तो ऐसे जागे हुए और समझदार इंसान को कैसे समझाएं जो गुमराह किया गया नहीं, नहीं, जो भ्रमित है, भ्रमित लोगों को समझाना क्या कैसे करें? किसानों के लिए ऐसे शब्द तो इस्तेमाल मत कीजिए कि रटे हुए रटाए शब्दों को बोल रहे हैं आप, तोता उनको बोल रही हैं, कोई खालिस्तानी बोल देता है, कोई नकली किसान बोल देता है, आपको नहीं लगता कि अपमान है अन्नदाता का, देश के अन्नदाता का अपमान है? 65 जाने जा चुकी है संघर्ष में, 65 जाने जा चुकी है मैम। आप जान के अपना चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे गलत शब्द मत करिए, भ्रमित मत। मैम यही कहा है आपने अभी यही कहा है आपने, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, नहीं मानेंगे। उसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि ये जो किसान मांग कर रहे हैं वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए किसान, लाखों की संख्या में बैठे हुए किसान, वो किसान ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। ये मान रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो आतंकी है, वो पाकिस्तान से चीन से फंडिंग हो रही है उनको। किसानों का अपमान इतना निम्न स्तर की सोच ये लोग रखते हैं। हमारे जो अन्नदाता कर जी ये तक कह दिया गया कि ये लोग वहाँ पर चिकन खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कही गई है। बीजेपी के विधायक ने कल ही बयान दिया है, चैनल वाले और कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने तो कहा है भ्रमित है। अगर भ्रमित हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात सुन लीजिए, हरियाणा के कृषि मंत्री की बात सुन लीजिए,
गृह मंत्री की बात सुन लीजिए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो किसानों को वहां पे बैठे हैं, वो किसान मान ही नहीं रहे हैं और उनको आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी फंडिंग, चाइना फंडिंग बता रहे हैं। किसानों का प्लेटफॉर्म यूज करेगा तो खालिस्तानियों को गाली नहीं देंगे? खालिस्तान वहां से बैठे हुए कनाडा में लोग एमपी इस कांग्रेस इस समर्थन इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, आप इसे क्या कहेंगे? हमारे अंदरूनी मामले हैं। देखिए जवाब तो सुन लीजिए, नेहा जी जवाब तो सुन लीजिए जी। कनाडा में खालिस्तानी बैठे हैं, नेहा जी कह रही हैं जी। कनाडा कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष भी आज किसानों के साथ वहां पे जो किसान है, जो यहाँ के किसानों के लड़के हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ बैठ के इस काले कानून को गलत बता रहे हैं और रद्द करने की मांग कर रहे हैं आप। लेकिन रत्नाकर जी ये हमारे देश के कृषि का मामला है, ये हमारे देश के किसानों का मामला है। आपको लगता है किसी दूसरे के किसी नेता को, किसी दूसरे देश के नेता को इस तरीके से बयान देना चाहिए, आपको लगता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बोलिएगा जी। दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को यह मालूम हो गया है, दूसरे देश के लोगों को यह पता चल गया है कि इस कृषि कानून में कितनी खामियां है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह नहीं मालूम हुआ है अभी तक कि इसमें कितनी खामियां है। अगर आप कहेंगे तो मैं 2500 खामियां गिना के उदाहरण के सामने मैं रख सकता हूं। हमारे देश के मामलों में स्टांग रहे हमारे, चलिए जैसे हर घर का एक मामला होता है उसे बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, आपकी बात बड़ी कर दी, आपकी बात ठीक है नेहा जी, लेकिन एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए, आज ये हालात पैदा हुए तो क्यों हुए, क्यों आखिरकार देश से बाहर के जो लोग हैं वो आखिरकार हमारे देश पर उंगली उठा रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि वो किसानों की बात सुने, जबकि सरकार अपनी सुन नहीं रही। ये भी आप ध्यान दीजिए, खालिस्तानी समर्थक कह रहे हैं, क्यों नहीं बताइए, क्यों नहीं बताइए आखिरकार मैडम, ये क्यों आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा हुई? रत्नाकर जी आप दोनों को बीच में रोकना चाह रहा हूँ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कृषि कानून पर, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। सीजीआई का बयान आपको बताएं कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, कह दिया है यानी कि साफ हो चुका है कमेटी न्यायिक प्रक्रियाओं का हिस्सा होगा। सीजीआई का कहना है हम सस्पेंड भी कर सकते हैं कानून, कोर्ट ने इशारा किया है, चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून सस्पेंड करने को हम तैयार हैं, बिना किसी लक्ष्य के नहीं कानून होंगे सस्पेंड, ये भी कहना है साथ में सीजीआई के, हम कृषि कानून टालना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से लगातार, आपको बता दें कि इसको लेकर सुनवाई चल रही है और सुनवाई के बीच में बड़ा अपडेट कमेटी को लेकर, स्थिति साफ होती नजर आ रही है यानी कि अब कमेटी बनने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, लेकिन साथ में कानून को सस्पेंड करने की बात भी कोर्ट ने कही है, लेकिन क्या इसको लेकर बात आगे बढ़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ही देर में पूरा आदेश भी आने वाला है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो अपनी हड़ताल जारी रखना चाहते हैं तो ये उनके ऊपर है। बिल्कुल, ये साड़ी हड़ताल जारी आ, असी 26 तरीक नूं साडे जिहड़े प्रोग्राम लिखे हुए आ वह करना वा, साडा अंदोलन जारी आ, असी किसी मीट अपनी कमेटी दे विच शामिल नहीं होवांगे, ये जिन्ना चिर बिल रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर असी जिहड़ा अंदोलन चलूगा। सुप्रीम कोर्ट जी की डायरेक्शन देंगे आ, कदों ये रद्द करते जां सरकार दे हक च देंगे आ, जां इस अंदोलन दे हक च देंगे आ, ये आने वाले दिनों ही पता लगेगा। बाकी जिहड़ा अज जिहड़ा फैसला आना मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, वह फैसला असी वेखांगे की ऑर्डर आते हैं, वह ऑर्डर के उत्ते फिर साडा संयुक्त मोर्चा जिहड़ा उहदी जिहड़ी मीटिंग होएगी, वह मीटिंग दे विच फैसला लिया जाऊगा कि इस दे उत्ते अगली जिहड़ा वा अगला एक्शन की करना, की कार्रवाई करनी आ। पर जिहड़ा साडा लीकिया होया एक्शन आ वह अजे तक साडा उस तरीके दे नाल ही जारी रहेगा। 26 तरीक नूं जिहड़ा वा असी वड्डे पद्धर ते तैयारी कर रहे हैं पंजाब च, हरियाणे च, पूरे देश च, 26 तरीक नूं जिहड़ी साडी ट्रैक्टरां दी परेड आ दिल्ली दे विच उह असीं एंट्री मारांगे दिल्ली च। आप कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते? बिल्कुल नहीं, असीं कमेटी च शामिल नहीं होना चाहुंदे क्योंकि लंबा समां हो गया, लंबा समां हो गया वा इह कमेटियां कितें बणदियां पहले दौर दे विच, हुण लंबा समें दे विच असीं बहुत अपना नुकसान करा चुके हां, बड़ा कुछ असीं अपना कर चुके हां, हुण कमेटी दे विच शामिल होना नहीं, असीं तां रद्द करन दी मंग करदे हां। ਹਰੀਚੰਦ ਹਲੂਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ।
उन्होंने कहा कि कमेटी को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन एक और अपडेट आपको बता दें कि जगह बदलने की बात कही गई है सीजीआई की तरफ से आंदोलन की। जिस जगह पर अभी किसान आंदोलन चल रहा है उस जगह को बदलने की बात हो रही है। बिना किसी लक्ष्य के कानून सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये भी कहना है सीजीआई का। कमेटी को लेकर कमेंट लेना चाहेंगे। नेहा दुआ जी क्या कहेंगी, कमेटी का जो रास्ता लगातार आप कह रहे थे अब वो साफ होता नजर आ रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगी मैम? जी मैं तो यही कहूंगी कि यही एक तरीका है। लेकिन अभी भी देखिए कुछ नेता लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है, कमेटी नहीं बननी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता, क्या हम अपने कानून सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर आप लोगों ने खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास भी नहीं है आपको? आप करना ही नहीं चाहते। आपको ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना आपको हमारे जवानों पे विश्वास है। उस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि वहां बम फेंके थे बालाकोट में या नहीं फेंके थे। आपको साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं है, उनको आप क्वेश्चन करते हैं कोविड की वैक्सीन सही बनी है या नहीं बनी। आपको विश्वास किस पे है? तो यहाँ विश्वास की बात है कि ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं तो विश्वास रखना पड़ेगा संविधान पे, किसान पे, जवान पे और हमारी कोविड की वैक्सीन पे भी। सब पे विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना होगा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है या ये बीजेपी का काम है। सुप्रीम कोर्ट है, वो बीजेपी नहीं है। आपका पहला कमेंट क्या आप कहेंगे कमेटी को लेकर जो लगातार बात चल रही थी अब रास्ता साफ कर रहे हैं सीजीआई उसके लिए? देखिए जैसा मैं आपकी अभी बात सुन रहा था, एक किसान भाई हमारे किसान नेता जो कह रहे थे कि काफी लंबा समय हो गया है, बिल्कुल तकरीबन 48 दिन आज हो गए हैं, और 48 दिन तो सिर्फ दिल्ली में हुए हैं और महीनों से या दूसरे प्रांतों में, जी महीनों से या दूसरे प्रांतों में भी आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार इतने दिनों से ये सोई हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये कमेटी बनाने की जो बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान अगर कमेटी बनाने की बात नहीं कर रही है, सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। कमेटी जिसकी आप बात कर रही है वो कमेटी अलग नहीं, लेकिन ये सीजीआई की तरफ से कोर्ट की तरफ से अलग कमेटी है। देखिए किसान आज कानून लागू हुए तकरीबन 7 महीने हो गए हैं, जहाँ जहाँ पे भी कानून लागू हुआ है वहाँ वहाँ पे किसान जो है इसका भुक्तभोगी हो चुका है जी। मतलब उसको उसको इसके दुष्परिणाम पता चल चुके हैं, इसलिए वो उसकी मानसिकता या सोच होगी कि इस कमेटी को बात करने से कोई मतलब नहीं है जब तक यह कानून रद्द नहीं किया जाए। भुक्तभोगी कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। 7 करोड़ किसान, 7 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हुआ है 150 से 200 किसानों का, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पहले किया गया था कि हम फसलों को पूरा खरीदेंगे, लेकिन फसल उत्पादन के बाद वहां पे क्वालिटी का इशू लेके वहां पे खरीदारी नहीं की जा रही है। तो किसान यह जान चुके हैं कि इस कमेटी में बात करने लायक कुछ रहेगा नहीं। जो भी कानून बनाया गया है यह कानून किसान के हित में नहीं है, इसलिए किसान यह कमेटी में बात नहीं करना चाह रहा है। ये तो सर किसानों की बात होगी। कांग्रेस आपको क्या लगता है, आप स्वागत करते हैं, आपको लगता है कोर्ट ने यह अच्छा सुझाव दिया है, कमेटी की जो बात कही गई है ये अच्छा फैसला है? नहीं, अभी अगर कोर्ट का फैसला जो है वो सबको मान्य होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे ये कहूंगा कि कहीं भी किसान प्रतिनिधि है जो किसान नेता है वो स्वच्छंद है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीजों को कहने के लिए। लेकिन अगर जहां तक किसान नेता कह रहे हैं कि वो कमेटी में नहीं जाएंगे, नहीं बात करेंगे, कमेटी नहीं बनाएंगे, तो यह कहीं ना कहीं अब हमें भी सही लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ 2 मांगे हैं उनकी। एक तो तीन काले कानून को रद्द किया जाए और दूसरी एमएसपी को कानूनी गारंटी दिया जाए। अगर ये दोनों मांगे अगर मान ली जाती है तो इस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, और कमेटी बनेगी भी तो इस मांगों को अगर उस कमेटी में जो किसान भुगत चुके हैं 6 महीने से जो परिणाम। ठीक है सर, ठीक है, इस कानून नेहा जी उसी को लेकर जवाब दे रही है, नेहा जी उसको लेकर कुछ जवाब दे रही है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बार हम नेहा जी एक जानकारी दे दें कि बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है आपके सामने। जी नेहा जी, मैं ये कहना चाहूंगी इसका मतलब कि कांग्रेस या किसानों को अगर सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं था तो वहां का दरवाजा क्यों खटखटाया? सबसे बड़ी बात, अगर वो बोल रहे हैं कमेटी बनाने के लिए तो मानना चाहिए। दूसरा, किसान नेता और जैसे कांग्रेस के अभी नेता बोल रहे हैं ये बात कि किसानों का पहले इतना